सीधी बस हादसे के बाद भी बस चालकों ने कोई सबक नहीं लिया है, जिसकी वानगी एक बार फिर बैतूल में देखने को मिली, जहां भोपाल से बैतूल आ रही फौजदार बस साकादेही गांव के पास अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा सड़क से नीचे उतर गई और सड़क किनारे टीले में घुस गई। बता दें कि इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से 10 यात्रियों को अधिक चोट लगी है। हादसे के बाद घायलों को तत्काल जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भेजा गया। यात्रियों ने बताया कि बस चालक की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। बस भोपाल से निकली बस का होशंगाबाद में ड्राइवर बदला था और वो लगातार वाहनों को तेज गति से ओवरटेक कर रहा था। हादसे के वक्त भी बस की गति अनियंत्रित थी और सामने जा रहे वाहनों को ओवरटेक करने के दौरान बस सामने से आ रहे डंपर से टकराई। जिला परिवहन अधिकारी के मुताबिक जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं फोरलेन निर्माण कंपनी को कई बार पत्र लिखने के बावजूद डायवर्सन और साइन बोर्ड नहीं लगाए गए, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहले तो जो भी हमें घटना का पता चला है, हमने जितने भी इसमें घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया है, चाहे वो अपने वाहन से, प्राइवेट वाहन से, या फिर उनके लिए एम्बुलेंस भी बुलवाई है, क्योंकि सबसे प्राइमरी काम वही था। उसके अतिरिक्त ये देख रहे हैं कि इसमें बस वाले की और ट्रक वाले की क्या गलती रही है। तीसरी चीज है, इसमें NHAI में जो काम चल रहा है उसके लिए मेरे द्वारा पहले भी पत्र लिखा जा चुका है कि अगर कहीं इस प्रकार से काम चल रहा है कि केवल वन साइडेड ओपन है, तो आप उसमें प्रॉपर डाइवर्जन रखें और बोर्ड लगाएं, साइन बोर्ड रहें, जिससे किसी भी ड्राइवर को या जाने वाले को ये पहले ही पता चले कि यहाँ से रोड डाइवर्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए।